मास्टर भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन यार ये पीक वाला क्या सीन है? ओके तो और मेरे भाई लोग कैसे हो, तो फिर से बढ़ चुका हूं आप लोगों के लिए BGMI की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। और आज की ये वाला वीडियो भाई थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वाले वीडियो में मैं भाई लोग आप लोगों को एक न्यू मूवमेंट सिखाने वाला हूं, एक न्यू पीक सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में भाई सब डिफरेंट क्या है, इस वाले वीडियो में जो पीक ट्रिक मैं भाई लोग आप लोगों को बताऊंगा ना, वो होने वाला है भाई नो स्कोप पीक ट्रिक। आपने भाई सब काफी सारे प्लेयर को नोटिस किया होगा इस तरीके का पीक शॉट मारते हुए, और इस चीज से रिगार्डिंग ना काफी ज्यादा कॉमेंट भी भाई मुझे आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए। तो इस वाले पीक का क्या फंडा है, कैसे भाई इस वाले पीक को करते हैं, और नोस्कोप पीक में और स्कोपिंग करके पीक में भाई सब क्या डिफरेंट है, सारी की सारी चीजें भाई इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। और इस वीडियो में भाई सब आप लोगों को लाइक कर देना है, 2K भाई सब काफी ज्यादा मेहनत लगा है मुझे, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, 2K लाइक मुझे चाहिए इस वीडियो में। तो भाई ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, चलो इस कमाल के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो कि होने वाला है नॉर्मल पीक और नोस्कोप पीक में फर्क क्या होता है, लाइक क्या नोस्कोप पीक में आप लोगों को कोई डिफरेंट देखने को मिलता है, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिलता है, वही सारी चीजें इस वाले पॉइंट में आप लोगों को पता चलने वाला है। अब देखो जब कभी भी किसी बंदे के ऊपर आप स्कोप करके पीक करते हो, कुछ सेकंड के लिए आपका भाई यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है वो भाई यहाँ पे इनविजिबल हो जाता है, और उस दौरान सामने वाला बंदा अगर कोई भी मूवमेंट दे देता है तब भाई आप उस बंदे को ट्रेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि भाई आपका वहाँ पे क्रॉस हेयर ही इनविजिबल है। अब भाई बात करते हैं नोस्कोप पीक के बारे में, आप किसी बंदे के ऊपर जब भी आप नोस्कोप पीक मारोगे, ठीक है, आपका यहाँ पे क्रॉस हेयर विजिबल रहेगा एंड आपको भाई यहाँ पे मिलेगा फास्ट मूवमेंट, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है जब भाई आप किसी बंदे के ऊपर स्कोपिंग करते हो आपका मूवमेंट भाई ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है, और स्कोपिंग करके जब भी पीक करोगे आप भी यहाँ पे देख सकते हो जल्दी जल्दी हमारा यहाँ पे पीक नहीं हो पाता, ठीक है, और काफी ज्यादा मुंडी हमारा दिखता है, और ऑब्वियसली भाई स्कोप वगैरह खोलने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, और नोस्कोप में ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं होता। अब भाई यहाँ पे देख सकते हो मुंडी दिखता ही नहीं, और अगर दिखता भी है तो भाई सुपर फास्ट तरीके से ये भाई कवर की तरफ भी चला जाता है। अब दोनों में क्या डिफरेंट है शायद भाई लोग आप लोगों ने समझ लिया, तो भाई चलो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब भाई पॉइंट नंबर 2 में हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से इस वाले पीक को करते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या सही है, क्या गलत है। यकीन मानो भाई साहब ये वाला ट्रिक ना कवर टू कवर फाइट में भाई काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब भाई किस तरीके से इस वाले ट्रिक को करते हैं, ये चीज बताने से पहले आप लोगों को जानना होगा कुछ सेटिंग के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे पीक सेटिंग में चले जाना है, लेन मोड जो है ना इसको आप लोगों को हमेशा होल्ड पे ही रखना है। टैप पे करके मैं भाई लोग आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे भाई आप यहाँ पे टैप करोगे ना इस वाले बटन को, ठीक है, यहाँ पे सीन क्या होगा, आप मतलब पीक करके आप यहाँ पे रहोगे, ठीक है, अब सीधा होने के लिए आपको फिर से दोबारा मतलब उस वाले बटन पर प्रेस करना होगा। और दूसरा सेटिंग पीक एंड ओपन स्कोप, इसको भाई आप लोगों को हमेशा डिसेबल करके रखना है, काफी सारे बंदे इसको इनेबल रखते हैं। इससे क्या होता है जैसे भी आप पीक वाले बटन पर टैप करते हो ना आपका स्कोप भाई ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो स्टेप नंबर 1 आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो पीक वाला बटन है ना इस पे भाई आप लोगों को होल्ड करके रखना है, ठीक है, कवर की साइड से, साथ ही साथ एक साथ आप लोगों को फायर वाले बटन और क्राउच वाले बटन पर टैप कर देना है। याद रखना पीक वाले बटन को होल्ड करके उसके बाद एक साथ आप लोगों को फायर वाला बटन और क्राउच वाला बटन दबाना है, साथ ही साथ जॉयस्टिक को भाई आप लोगों को कवर की तरफ खींचना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, सबसे पहले आप लोगों को जो पीक वाला बटन है ना उसको एंड साथ साथ जो क्राउच वाला बटन है उसको एक साथ दबाना है, ठीक है, वो दबाने के बाद ही आप लोगों को फायर वाला बटन को दबाना है, साथ साथ जो जॉयस्टिक है उसको भाई आप लोगों को कवर की तरफ खींचना है। और जैसे भाई आप ऐसा करोगे आपका ये वाला पीक मतलब सही तरीके से हो जाएगा। और हमेशा मैं भाई लोग आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, क्रॉस हेयर पे आप लोगों को हमेशा ध्यान देना कि क्रॉस हेयर भाई बंदे के हेड पे है या नहीं। अब ये चीज आप लोगों ने जान लिया, अब भाई बढ़ते सीधे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब भाई पॉइंट नंबर 3 में मैं भाई लोग आप लोगों को ड्रिल बताऊंगा, कुछ सिंपल सा ड्रिल जिन्हें भाई आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस करना है इस वाले पीक को सीखने के लिए। और भाई 20 से 25 मीटर के अंदर अगर कोई भी बंदा रहता है तब भाई आप इस वाले पिक को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आप लोगों को आ जाना है, सामने की तरफ 3 टारगेट भाई आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पहले वाला जो टारगेट है ना उसको भाई आप लोगों को स्कोपिंग करके गिराना है, ठीक है। दूसरा वाला जो टारगेट है उसको भी भाई आप लोगों को स्कोपिंग करके गिराना है, ठीक है। तीसरा वाला जो सबसे पास वाला टारगेट है उसको भाई आप लोगों को नो स्कोप गिराने की कोशिश करना है। और इसी तरीके से बारी बारी हर रोज भाई 10 मिनट से 15 मिनट तक इस वाले ड्रिल को आप लोगों को यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना है। और इस चीज के बाद भाई आपका मूवमेंट काफी ज्यादा तेज हो जाएगा, आपका पीक एंड फायर भाई काफी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। और मैंने नहीं सोचा था कि इस वाले टॉपिक के भाई वीडियो बनाने की जरूरत पड़ने वाला है, लेकिन कमेंट भाई मुझे काफी ज्यादा दिख गया था तो मैंने सोचा क्यों ना बना देते हैं भाई। और बाकी आप लोग ना मुझे कमेंट करके भाई थोड़ा सा टॉपिक सजेस्ट करना कि किस टॉपिक पे भाई वीडियो बनाया जाए, टिप्स एंड ट्रिक्स बनाऊंगा लेकिन किस टॉपिक पे बनाया जाए, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी कमेंट नहीं करते हो तब भाई ब्लू हर्ट जरूर से स्पैम कर देना इस वीडियो में, साथ ही साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।